आज हम जाएंगे हैदराबाद। स्पोर्ट्स मोड में डालते ही रोर करना चालू कर दीजिएगा, मेरी बाइक आ जाए यार। ऐसा कौन करता है, मेरे को लिटरली लगा कि ये एक इंसान है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। आज डे है 24 मेरे ड्रीम ट्रिप का, जिसमें मैं इंडिया के सारे यानी कि 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट करने वाला, जिसमें अब तक हमने 10 ऑलरेडी कर लिया है। अब तक हमने 4 स्टेट कवर किया है और फॉर्चून हमारी चल चुकी है 2856.8 किलोमीटर। है ना सर? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिल की भाषा से हम समझा देते हैं कि क्या हमें चाहिए क्या उनको चाहिए, और लोग काफ़ी अच्छे ओवरऑल। चलो इस लगेज के साथ ही कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। या बॉय, चेन्नई की मीटअप में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, जिसकी वजह से हमारे सामान में अंदर फिट नहीं हो रहे, लेकिन चलता है, प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान फिट कर लेंगे, कर रहे हैं। आज पैकिंग करते करते पूरा पसीना छूट गया है जी, ये पसीने का क्रेडिट मौसम को भी जाता है, बट हो गया। अभी लड़की का बैग 2 आना बाकी है, जगह रखा है, हो जाएगा। फिर सीधा निकलेंगे इस तरफ, पता नहीं किस तरफ तो निकलेंगे। अरे सर, यू आर लुकिंग हीरो। चलो भाई, यहाँ से निकलते निकलते 12 बज चुके हैं जी। आज हम जाएंगे हैदराबाद हैदराबादी बिरयानी के लिए। ऑटो ब्लॉग सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है जी। चेन्नई के ट्रैफिक से हमें बच बच के निकलना है। बच बच किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी आपको चिपका दे सकता है, चुम्मा दे सकता है आपकी गाड़ी को। जब मुंबई से हम निकले थे, उसके बाद सबसे लंबी जर्नी एक दिन में हमने तय किया था, वो है गोवा का। उसके बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट जर्नी इन अ डे, चेन्नई टू हैदराबाद 627 किलोमीटर। गूगल के हिसाब से हम 11 घंटे में पहुंचेंगे और हैदराबाद पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे। यहाँ अभी दिन के 12 बज रहे हैं। ऊपर से मस्त एकदम मेट्रो चल रही है, नीचे से गाड़ी चल रही है, यूट्यूब पे हमारा ड्रीम ट्रिप चल रहा है। वेरी गुड। Hey bro, what's up? कैसे चल रहा है, कितने लोग को भगाया अभी तक? भाई ये स्केयर रोड नहीं है, ये फिरंग है। माउंटेनियरिंग करके आया यहाँ पर। यार ये कंस्ट्रक्शन का काम कभी खत्म होगा जिंदगी से? इतना यार, सेम यही हाल मुंबई का भी है। चेन्नई से निकलते निकलते बाहर हाईवे तक काफी टाइम लग चुका है, काफी ट्रैफिक से लड़ झगड़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी फॉर्च्यूनर पावर मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे, और स्पोर्ट्स मोड पे इसको जो भगाने का मजा आता है, क्या ही कहूँ तुम्हें। जीरो पे आ गए। अरे यहाँ का जो कल्चर है ना, सेम, मतलब मैंने काफी टाइम बोल चुका हूँ, मुंबई जैसा ही है। तो ना जो मेन सिटी है, सिटी के थोड़े आउटस्कर्ट में सारे इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जहाँ पर ट्रक ऐसे ही भरे पड़े रहते हैं। अभी भी वो ट्रक का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, सेम लाइक जैसे हम भाईंदर के थोड़े आगे जाते हैं तो ट्रक्स वाला सिलसिला शुरू हो जाता है ना, सेम यहाँ पर भी है। जाने दो मुझे, बहुत दिन हो गया गाड़ी नहीं चलाया ढंग से, ट्रैफिक में तो पता ही नहीं चलता है। स्पोर्ट्स मोड पर डालते ही रोर करना चालू कर दी थी गाड़ी, रोर बात। चले चले चल चल चल। और हाईवे पे कुछ लोग ऐसे एकदम मस्त टुकु टुकु चलाते हैं। गाड़ी हवा से बात कर रही है बाबा। ब्रेकफास्ट के लिए रुके, ब्रंच के लिए रुके हैं, ब्रंच एंड 2 मील। तेरे को मिनी मील समझा क्या है? टोमेटो राइस, साउथ इंडिया में टोमेटो राइस, लेमन राइस सब बहुत फेमस होता है, तो तू खाएगी वो? हाँ। ठीक है, फिर वही हमारा ट्रेडिशनल कल्चर और नेचुरल खाना, केले के पत्ते में। ये तमिलनाडु में हमारा
इस ट्रिप का आखिरी लंच होगा, आखिरी मील बोल लो। इसके बाद हम तेलंगाना पहुंच जाएंगे। तेलंगाना का ट्रेडिशनल कल्चरल नेचुरल क्या है वो देखेंगे वहां पर जाके। लेकिन वहां पर भी थोड़ा सिमिलर ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर तमिल है तो वहाँ पर तेलुगु है। चलो फिर बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। खाना खाते खाते 40 मिनट लग गए, यूजुअली इतना टाइम लगता ही है। वापस फिर से हाईवे पे और फिर से खाली दिखा तो फिर से इसको हेलीकॉप्टर बनाएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं रॉकेट बनाएंगे। एक दिल की बात है, जैसे हमारे व्लॉग में ऑटो कार सेक्शन होता है, चाय का सेक्शन होता है, वैसे एक दिल की बात वाला सेक्शन है। पिछले ना 1.5 साल से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि टाइटल थंबनेल बनाना सीखूं, और अभी तक मेरे को बनाने आया नहीं है। मैंने बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया कि कैसे बनाया जाए। मेरे को ना अच्छा कॉन्टेंट बनाना आता है, मैं मजाक मस्ती कर सकता हूँ, मैं अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, बट यार ये टाइटल थंबनेल जमता नहीं है। तो मैंने ना अभी कुछ वीडियो के लिए टाइटल थंबनेल नहीं बना रहा हूँ। थंबनेल पे फिर भी हम थोड़ा एफर्ट डाल देंगे कि स्टोरी आपके पास पहुँच जाए, बट यार टाइटल समझ नहीं आ रहा था ना। कुछ वीडियो के टाइटल ना मतलब नॉर्मली होंगे, सेम ही होंगे। एक चाय ब्रेक, तो चाय पिएगी तू? पिएगा ना? ले दोस्त गरम है, पकड़ जल्दी से। इंडियन चाय सागा विद एमएसके, बहुत गरम है, चुस्की नहीं लूंगा, तू भी ट्राई कर सकते। मेरे मुंह में स्किटल्स है, मेरे मुंह में स्किटल्स है। चीयर्स आप लोगों के साथ चाय की चुस्की। नींद भगाने वाली चाय, सच बताओ गाड़ी चला चला के पक गया हूँ, नहीं मजा आ रहा है। सच बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, बस हो गया, गाड़ी नहीं चलाने का मन कर रहा है। समझ में आता है, 3000 किलोमीटर चलाया हम लोगों ने। अच्छा 3000 चलाना चाहे तो हम तो ऐसे 2 दिन में चला दे। इस 3000 किलोमीटर में एक्सप्लोर करना भी है, एडिटिंग भी है, अपलोडिंग भी है, सोना भी है, खाना भी है, हगना भी है, सब है। मेरी बाइक आ जाए यार, बाइक तो आ गई है मेरे पास, आ जाए। और जी मैं आपको बताना भूल गया, हमारे ड्रीम ट्रिप के 5वें स्टेट में हम आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश। क्या बोलती है पूनम? दिस इज बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। थोड़ा सा चीजें बदलते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो रोड पे जो बैरिकेड हुआ करते थे तमिलनाडु में, वो प्रॉपर होते थे, मतलब बनाए गए स्पेशली। और यहाँ पर जुगाड़ू है, यहाँ पर ऐसे ड्रम को पेंट किया गया है और ड्रम के ऊपर एक टायर रखा गया है और उस पर एक क्रॉस मार्क करके रेडियम लगाया गया है। तमिलनाडु में हमें गाड़ियां दिख रही थी TN TN TN, और पुदुचेरी में मैंने कहा था कि PN बोल लो तो पंजाब नहीं। मिस्टेक, जुबान फिसल गई मेरी उस टाइम पे। वैसे हर बात को मेरी सीरियसली लेने का नहीं, PB का मतलब पंजाब होता है, और यहाँ पर हमें AP 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 दिखने को मिल रहा है, और AP में हमारी गाड़ी OP MH महाराष्ट्र। हम जहां जहां पर जाएंगे वहां वहां पर गाड़ी, अबे दिल्ली की गाड़ी दिख गई एक यार, बहुत टाइम बाद दिल्ली की गाड़ी दिख गई। तो मैं वही कह रहा था कि हम जहां जहां पर जाएंगे वहां पर गाड़ियों के अल्फाबेट्स बदलेंगे, लेकिन हमारा वही रहेगा MH। राइडर भी दिख गया भाई, बताओ प्रोवाइडर। जनता लोग अभी आप देख सकते हो आईफोन कैसा एक्सपोजर का प्रॉब्लम कर रहा है, हम इसी की बात कर रहे थे। इसको रीस्टार्ट करके देख लिया और इसको अपडेट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। आईफोन गेम खेलता है हमेशा। जानवरों को भी अक्कल है, प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग में रोड क्रॉस कर रहा है, इंसानों को नहीं है सिर्फ कुछ इंसानों को। भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है? मेरे को लिटरली लगा कि ये एक इंसान है। ये क्या बोलते हैं इसको, स्केयरक्रो। ये तो मैंने कोई ना, ये मैन स्केयर मैन। ये स्केयर मैन की जरूरत क्यों है? देखो हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, रोड पे ध्यान होता है और आसपास की जो चीजें होती है ना, एकदम क्लियर विजन नहीं होता है। तो मैं ऐसे एक तमिलनाडु में भी देखा था, तो वहाँ पर कोई एक मतलब बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर भी एक ऐसे स्केयरक्रो है। रास्ते में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर भी है। 99.47 ये डीजल प्राइस है, ये महंगा है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश डीजल ब्रेक, मैं पीछे सो गया था और कुछ टाइम तक आर एन गाड़ी चलाया।
जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नींद कंप्लीट हो नहीं रही थी और मैं गाड़ी चलाते चलाते पक भी गया था। अच्छा है कि ट्रिप पे आर्या है, क्या है कि यू नो एक बैकअप रहता है। नोट डाउन कर लिए जी, डीजल प्राइस 6150। फिर से आ चुके हैं कैप्टन सीट पे मोहम्मद सलीम खान। थैंक यू दोस्त। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मजा आया चलाने में? बहुत ही बढ़िया। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8 बज रहे। रुकना कहीं पे खाने के लिए? थोड़ा टाइम में रुकते हैं, आधे घंटे में रुकते हैं। ठीक है। दावत के पास रुके हैं जी। दावत नाम देसी है लेकिन जो शेफ है वो विदेशी। अब तक हम खा रहे थे केले के पत्तों से, यहाँ पर केलों के पत्तों की डिजाइन के प्लेट्स से खाएंगे। आंध्र प्रदेश में स्पेशल दावत इज स्पेशल लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम। दिस इज आंध्र प्रदेश, यू आर टॉकिंग तेलुगु। ओके, कितने बोल गए? दो दो खाना ऑर्डर किया है जी। फुल्का आया है और बेचारा फुल्का सूखा सूखा था तो ये घी ऑर्डर करने के लिए बोला। घी है, बटर है, नहीं समझ में आ रहा तेलुगु में घी को क्या बोलते हैं। मैं रेडी रखा हो तो वो मैडम आएंगे तो उनको दिखाता हूँ मैं, उनको समझ में आता है क्या। दिस नहीं टू टू मोर फुल्का तेरे को घी मिल जाएगा दोस्त। ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। रशिया की याद आ गई मेरे को तो। तमिलनाडु फिर भी ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा दिक्कत है यार। ये तो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू इन तेलुगु। धन्यवाद। ये तो सेम वैसे ही है जो कन्नड़ा में था। धन्यवादालु। इसमें लगा था जी। 9:46 हो चुके हैं जी और गाड़ी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। धूम वाला चश्मा भी पहनना पड़ेगा। ये चश्मे को कुछ नाम देना चाहिए। धूम वाला चश्मा। धूम वाला चश्मा। 189 किलोमीटर और बचा है जी। 3 घंटा 37 मिनट। एक स्ट्रेच में खींच लेते क्या? कर सकते हैं, देखते हैं। एक स्ट्रेच में होता है या फिर बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, देखते हैं। लेना पड़ेगा, खाने के बाद लेना पड़ता है। इसका सुसु आएगा ना 10 बार अभी एक घंटे में। 10 नहीं only 12 times। ओके प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट। सॉरी डोंट डिसरिस्पेक्ट मी लाइक दैट। आई मिसकैलकुलेटेड। इसकी यहां से क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। वी ओके बैक ऑन द रोड। जैसे ही हम ये ब्रिज, ये कृष्णा रिवर क्रॉस करेंगे, हम पहुंच जाएंगे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, छठा स्टेट में एंटर कर चुके हैं हमारे ड्रीम ट्रिप के। तालियां बजाए, सारे कमेंट में तालियां होनी चाहिए। रुकाएंगे। हेलो सर, कन्नड़ सर? हिंदी सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? हाँ। हिंदी नहीं, तेलुगु। इंग्लिश? इंग्लिश। लाइसेंस? మునుగోడు ఎలక్షన్స్, బై ఎలక్షన్స్ డిక్కి ఓపెన్ చేసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్। థ్యాంక్ యూ సార్। जब हम कर्नाटका से तमिलनाडु आ रहे थे तो हमें पता था कि चेकिंग हुई है, इसलिए हम पहले से प्रिपेयर थे। पहले से कैमरा ऑन रखा था। तूने एंगल सही से रखा कि नहीं रखा? नहीं नहीं था एंगल सही से। क्या बोला अगर कोई हमारे आंध्र के सब्सक्राइबर है तो वो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बोला कि इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाला है। बट स्वीट थे। हाँ ये काफी स्वीट थे यार। मतलब इन्होंने बोला कि डिग्गी चेक करना है, मैंने बोला कि ठीक है साइड में लगाता हूँ, अब चेक कर लो। चलो चलो हो गया भाई। लेकिन जब हम आंध्रा में आए तो आंध्रा में किसी ने कुछ नहीं किया यार, वहाँ तो पता भी नहीं चला। हाँ वहाँ पर तो कोई था भी नहीं। अब जब तेलंगाना से हम वापस आंध्रा में आएंगे तो शायद मे बी, बस ये बॉर्डर के पास थोड़ा हमें रोक सकते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ ऐसा दिक्कत होती नहीं है। अभी भी 84 किलोमीटर बचा है जी, एक ब्रेक लेना ही पड़ा। तू बोल के गया यहाँ से 3 चाय हो गया ना। हाँ। ये मेरे को पूछा तू नहीं पी रही है? है? मैं गिना रही हूँ उसको। दो पानी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये जो चीज तेलंगाना में हमने देखा, ये चीज तमिलनाडु में मिसिंग थी, चाय की टपरी वाला कल्चर। हाईवे के बाजू में जो चाय की टपरी होती है वो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। मुंबई, पुणे।
पुणे, हैदराबाद, वापस जाना है मुंबई। ट्रिप के बाद जाएंगे हम जिस रास्ते पे हैं उसी रास्ते से वापस मुंबई भी आएंगे। मतलब बहुत जल्द ऐसे बोट दिखेंगे जब मुंबई दिखेगा। ओहो, अरे अब इसे मिस करने लग गया हूँ। सबसे पहले आएगा ना भिवंडी, कल्याण, भिवंडी, ठाणे, फिर मुलुंड टोलना का आएगा, कसारा घाट आएगा सबसे पहले। कसारा घाट में यूं घुमाते फिर आएगा पवे, जहाँ पे इसको लात मार के निकालेंगे उनको। नहीं, इसके घर पे छोड़ेंगे, सामान ज्यादा है ना। चलेगा, 4 महीने वेट किया तो फिर इतना तो कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद माहिम आएगा, फिर शफीक भाई को फोन करेंगे, शफीक मैं आ गया, शफीक सामान लेने आ जा नीचे मेरे भाई। फिर गाड़ी जाएगी पार्किंग में, हम जाएंगे घर पे, वो भी क्या दिन होंगे, सोच के बड़ी खुशी हो रही है। थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगा, हमारे चेहरों पे दिख रहा रहेगा आपको, अच्छा लगा। घर का खाना मम्मी से मिलूंगा, सूफी के साथ खेलूंगा, वही अपना वॉल ऑफ फेम देख देख के फिर सो जाऊंगा। हंसू आ गया यार, अरे अरे अरे, आर्मी वाले हैं, चेकिंग कर रहे हैं भाई। पीछे का ओके, थैंक यू सर। अब समझ में आया मेरे को, तो वहाँ पर जब हम तेलंगाना स्टेट एंटर किए थे उन्होंने कुछ तो इलेक्शन वर्ड यूज़ किया था, तो इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन के टाइम ऐसा चेकिंग होता है सिक्योरिटी के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्लैक मनी, काला धन। यहाँ पर आर्मी वाले चेक कर रहे थे तो अच्छे से उन्होंने बात की, उनको समझा, उन्होंने बोला ठीक है जाओ, आपको चेक करना है, आप चेक करो, आपको जो चेक करना है हम आपकी हेल्प करेंगे। देखो जी, चलते चलते हम कहाँ पहुँच चुके हैं, रामोजी फिल्म सिटी। और रामोजी फिल्म सिटी की आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जैसे डिज्नीलैंड है ना, एक अम्यूजमेंट पार्क, अंदर भी एक खुद की दुनिया है, दुनिया का सबसे बड़ा, प्राउड ऑफ, मतलब हमारा सिनेमा इतना, हमारा फिल्म स्टूडियो इतना बड़ा है, तो सोचो। ये गेट है, इसके अंदर अलग ही दुनिया है। तो हम ऐसे रास्ते से जा रहे थे तो सोचा थोड़ा रुक के आपको बता दे। ये मैं दुनिया को आर्मी टैग पहना रहा हूँ, हमारे सब्सक्राइबर हैदराबाद पहुँचते ही सीधा 50 तोला गले पे सिल्वर, ये मायने गया। मुस्तफ़ा नाम है ना आपका? जी हाँ, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा आते ही देखो भाई, भर दिया इन्होंने गिफ्ट से, डैडी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए इन्होंने गिफ्ट लाया है। हमने मीटअप में बोला था ना यार, वो चेन्नई वाले की थोड़ा गिफ्ट छोटे लाना है, कल भी और गिफ्ट मिलना है। अरे बाबा, थैंक यू सो मच। और जी पहुंच गए हैदराबाद, हैदराबाद पहुंच गए, क्या वाइब सेट हुई इधर आके, आंखों में नींद है भाई। और पहुंचते पहुंचते हमें 1:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि 1:30 बज रहे हैं। अभी भी अगर हम बाहर देखेंगे तो गाड़ियां चल रही है, लोग बाइक पे गेड़ी मार रहे हैं, चाय की टपरी खुली हुई है, चकाचौंध दिख रही है यार। हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है उस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, रात को बाहर घूमने निकलना वगैरह वगैरह। ये मुंबई से ज्यादा एडवांस लग रहा है मुझे रात में, क्योंकि मुंबई में भी इतने लोग नहीं दिखते रात में, यहाँ पर दिख रहे हैं 1:30 बजे तक भी दिख रहे हैं। आज हमारा मीटअप है, तो मीटअप के लिए बस एक चीज का अफसोस है कि मैं पहले नहीं इन्फॉर्म किया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद जिनको पता चल रहा है कि मीटअप है उसके लिए क्या कहते हैं उर्दू में, माफी, दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस व्लॉग तो है यहाँ पर समाप्त। लिव लाइफ लिव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, इट्स द साउंड ऑफ सोल इन मी, लिव योर ड्रीम, ओह यू इन व्हाट यू बिलीव, हो गया। अबे इधर गाड़ी फंस गई क्या? चलो बस बस करो, जाले 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 जाले, मेरे को भी सुसु आले।